तो कैसे आप सब लोग आप लोग स्वागत है मोटर अपडेट्स का अपडेट्स के लिए एपिसोड नंबर 27 में। फाइनली दर्शन हो ही गया। और दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं चल रहा हूँ अपलोडिंग में और वीडियोस भी काफ़ी कम आ रहे हैं आई नो, बट कुछ अपडेट आने वाले हैं चैनल में, सो वेट कीजिए उसके बारे में। जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और क्या चल रहा है, क्या रीज़न है कि मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए वेट कीजिए। मैं बहुत जल्द वो अपडेट वाला वीडियो भी डालने वाला हूँ। हाँ, उसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ किस रीज़न की वजह से क्या है क्या नहीं है, थोड़े दिन क्या होने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सो वेट फॉर इट, वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। और हम शुरू करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री बहुत कुछ न्यूज़ दे रही है तो न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ नंबर 1 के साथ बिना किसी टाइम वेस्ट के आप देख रहे हैं मोटर अपडेट्स का ऑटो अपडेट डेली एपिसोड नंबर 27। मेरा नाम इंद्रनी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1। न्यूज़ नंबर 1 जो है दोस्तों वो है जगुआर आई-पेस जो है वो इलेक्ट्रिक एसयूवी स्पोर्ट्स सुपर स्पोर्ट्स कार जो है वो लॉन्च हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुई है। मतलब आप बेहोश हो जाओगे, उतनी ज़्यादा अच्छी प्राइस है। 1.06 CR और ये कुछ जाती है 112 CR तक। मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है और 1 CR होनी चाहिए आपके पास। और स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन जो है वो है आपको मिल जाती है 90 kWh की बैटरी, 480 km की रेंज और 45 मिनट्स में ये 0 to 80 चार्ज हो जाती है और 0 to 100 जो है वो कुछ चार्ज लेने में लगती है 10 hours। और इसमें आपको मिल जाते हैं 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन। इसमें अगर हम बात करें तो आपको 394 bhp का पावर और 397 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है। 9 स्पीड का आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स है इसके, बाय द वे मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। ठीक है, अभी इतनी थी स्पेसिफिकेशन एंड ऑल, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है हीरो की तरफ से, हीरो की जो वो डेस्टिनी जो है 125 वाली, और ये 100 मिलियन एडिशन एंड प्लेटिनम एडिशन जो है उसके साथ लॉन्च हो चुकी है। 100 मिलियन एडिशन की अगर हम प्राइस की बात करें तो 66,000 रुपीज़ विदाउट डिस्क ब्रेक वाली डेस्टिनी की प्राइस है, और विद डिस्क ब्रेक 100 मिलियन एडिशन जो है उसकी प्राइसिंग जो है वो 70,000 रुपीज़ रखी गई है। और अगर हम बात करें प्लेटिनम एडिशन में, इसमें आपको डिस्क ब्रेक जो है वो आपको मिलती ही मिलती है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि विदाउट डिस्क ब्रेक आप लो, आपको डिस्क ब्रेक के साथ ही लेना होगा। और इसकी प्राइसिंग रखी गई है कुछ 72,450 रुपीज़ एक्स शोरूम में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। इसमें आपको वही स्पेसिफिकेशन तो सेम ही है, 125 cc वाला इंजन, 10.4 Nm ऑफ टॉर्क एंड 9.5 bhp की पावर देखने को मिल जाती है। वही सेम आपको स्पेक्स जो है वो मिल जाती है। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है BMW की तरफ से। BMW M1000RR जो है वो टीज हो चुकी है ऑफिशियली, और ये कहा जा रहा है कि जो BMW की S1000RR जो है उससे काफ़ी ज़्यादा फास्टर होने वाली है और इसमें आपको वही 999 cc का इंजन देखने को मिलने वाला है। और अगर हम बात करें तो इसमें वही सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको बताऊं तो स्पेसिफिकेशन जो है वो 4 सिलेंडर वाला इंजन होने वाला है, 210 bhp की पावर, 210 bhp की पावर देखने को मिलने वाली है और 113 Nm तक देखने को मिलने वाला है। अभी के लिए तो इतनी स्पेसिफिकेशन आई है और लॉन्च भी बहुत जल्द होने वाली है, तो वेट फॉर इट दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है Hyundai की तरफ से। Hyundai की अगेजर जो है उसके स्केचेस जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं और ये भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले इंडियन मार्केट्स में, और ये कहा जा रहा है कि मई महीने के अंदर लॉन्च होने वाली है और ये ग्लोबली डेब्यूट होने वाली है ऑन 6th of April। सो वेट फॉर इट, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्शन मॉडल जो है वो आपको 6th of April को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है Volkswagen की तरफ से। Volkswagen की जो टाइगून है वो कहा जा रहा था कि 26 को अनवील होने वाली है ग्लोबली, बट अभी रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि ये 31 मार्च को लॉन्च होने वाली, सॉरी अनवील होने वाली है, क्या बोल रहा हूँ यार, लॉन्च तो अभी बहुत देर है, अभी लॉन्च को बहुत देर है। तो दोस्तों यही थी छोटी सी न्यूज़, मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। तो चले दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो BMW की जो M220i स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है, BMW M220i, M220d, M220m और M220im, और काफ़ी बहुत कुछ मैंने बोल दिया। ये 37.90 lakh रुपीज़ में लॉन्च हो चुकी है और इसमें आपको 7 speed वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, और आपको अगर हम बात करें तो 2 liter टर्बो पेट्रोल 190 bhp वाला पावर देखने को मिल जाता है, 280 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है, 7 speed स्ट्रैपटोनिक वाला ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। तो यही थी जो कुछ भी थी स्पेसिफिकेशन ऑफ BMW M220i की। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल है उसकी आप GST में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो GST में आ सकते हैं, पेट्रोल एंड डीजल अंडर GST। अच्छी चीज़ है, आ जाए तो बढ़िया है,
वैसे पेट्रोल डीजल की प्राइजेस जो है वो दो दिन की अगर हम बात करें तो 17 और 18 पैसे जो है वो कम हुए, सो अच्छी चीज़ है, थोड़े से कम भी हुए, मतलब 100 प्लस चली गई थी प्राइजेस काफ़ी स्टेट्स में। तो आपके स्टेट्स में क्या प्राइस चल रहा है वो बता दो, वैसे तो आएगा नहीं कमेंट, फिर भी बता दो। चले दोस्तों अभी आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आज की आखिरी न्यूज़ है और मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी न्यूज़ जो है वो है, वैसे कोई भी कंपनी की तरफ से नहीं, एक रिपोर्ट्स कह रहा है और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है, और कंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अप्रैल महीने से सारे व्हीकल्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है। मतलब आप देख सकते हो, अगर लेना चाहते हो तो अभी कभी ले लो, वरना ज़्यादा पे कर लो। यही थी जो कुछ भी थी न्यूज़, अभी न्यूज़ तो यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया नहीं किया, मुझे पता है नहीं किया है तो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे चेकआउट कर लो। वैसे लिंक में भी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, तो क्या बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चला, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हो। मैं काफ़ी सारे पोस्ट, स्टोरीज, आईजीटीवी रील सब कुछ लेते रहता हूँ, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं ट्विटर पे भी हूँ, तो ट्विटर पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे वहाँ पे भी मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ, फ्लिट्स डालता रहता हूँ, और काफ़ी बढ़िया न्यूज़ जो होती है वो भी मैं डालता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहीं पे खत्म करते हैं आज की न्यूज़, हम मिलेंगे आपको कल आउट ऑफ दिस सीरीज एपिसोड नंबर 28 में, तब तक ले जाए वंदे मातरम। पिंटू चलो रसीला वासी से अर्जुन थोड़ा रो मोहन।